dear students let's start second part of our lesson and friends in previous part we have seen that tony was playing in the garden then he saw a line of shiny black ants on the log now see tony watched them tony un ants ko dekhta raha What are they doing? Where are they going? He wondered. What are they doing means वह क्या कर रही है वह कहा जा रही है He wondered. उसे आश्चर्य होता है देखकर He looked carefully at an ant. वह एंट की तरफ बहुत ही बारीकी से देखता है उन्हें ऑब्जर्व करता है इट वॉज कैरिंग सम फूड इन इट्स माउथ वह अपने मुंह में कुछ फूड ले जा रही थी द अदर एंट्स वेंट अंडर द लॉग एंड पुट द फूड देर अदर एंट मीन्स दूसरी चिटिया, दूसरी चिटिया भी लॉक के नीचे चली जाती है और वह फूड रख देती है पुट मीन्स रख देना देन दे केम आउट अगेन टू गेट मोर फूड फिर से सारी चिटियां वापस चली आती हैं और फूड कलेक्ट करने के लिए दे मूव टू वन साइड टू लेट अदर्स पास देखो वो अभी लॉक पर एक साइड से हो जाती है एक तरफ हो जाती है ताकि दूसरी साइड से दूसरी चिटियां जा सके They worked together and carried big pieces of food. वह सारी चिटियाँ एक साथ मिलजुल कर काम करती हैं और फूड के बड़े टुकड़े अपने साथ ले जाती हैं दे वेंट अप एंड डाउन एंड अप एंड डाउन बट दे नेवर स्टॉप टू रेस्ट देखो लकड़ी के ऊपर से वह ऊपर नीचे ऊपर नीचे अप एंड डाउन जा रही है लेकिन कभी भी वह आराम करने के लिए नहीं रुकी नाउ टेल मी फॉर व्हाट पर्पज द ants केम आउट फॉर व्हाट पर्पज अगेन ants केम आउट to collect the food tony watched the ants for a long time tony उन ants को काफी देर तक देखता रहा for a long time means बहुत देर तक then he heard his mother calling him फिर उसने सुना कि उसकी मम्मा उसे बुला रही है time for lunch tony it was noon already मम्मी ने कहा कि खाने का समय हो गया है ऑलरेडी दोपहर हो चुकी है नून मीन्स दोपहर ही वॉज फीलिंग वेरी हंगरी हंगरी मीन्स भूखा भूख लगना उसे बहुत भूख लग रही थी सो ही जम्प अप एंड सैड जम्प अप मीन्स तुरंत वह खड़ा हो गया और बोला गुड बाय आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग टोनी ने चीटियों को गुड बाय कहा और कहा कि कल सुबह मॉर्निंग मैं तुम्हें फिर फिर मिलूँगाट फ्रेंड्स नोडेड देयर हेड्स बट डिड नॉट टॉक बिकॉज दे वर स्टिल बिजी अब देखो एंट्स उसकी फ्रेंड्स बन गई तो उसकी एंट फ्रेंड्स ने अपने हेड को दे नोडेड देयर हेड नोडेड मीन्स टू मूव द हेड अप एंड डाउन एंट ने अपने सर को हिलाया बट दे डिड नॉट टॉक बिकॉज दे वर स्टिल बिजी लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि वह अभी भी फूड कलेक्ट करने में बिजी थी दे वर स्टिल बिजी मार्चिंग अप एंड डाउन दैट डे टोनी लर्न एन इंपॉर्टेंट लेसन टू ऑलवेज वर्क हार्ड एंड वर्क टूगेदर एज ए टीम उस दिन टोनी ने बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ पढ़ा उसने पढ़ा कि हमेशा कड़ी मेहनत करनी चाहिए वर्क हार्ड मीन्स कड़ी मेहनत और मिलजुल कर एक साथ काम करना चाहिए सो डियर स्टूडेंट्स वी शुड ऑलवेज वर्क हार्ड एंड वर्क टुगेदर एज अ टीम ओके गुड बाय टेक केयर